और मैं ऐसे मूड हो गया, चलो आ जाओ। सबसे पहले नहीं आएगी, नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत परफेक्ट आएगी। सबसे पहले मदर रेट टैक्स, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन टैक्सेस। ठीक है जी, ये तीन एडजस्टमेंट एक साथ सीखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल के थ्रू को समझाऊंगा, आप इस साथ बनाते रहो। लिखो केस वन, सबसे पहले केस के अंदर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ 2 से 3 लाइन का, और ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है डेप्टर्स, ये डेबिट साइड है ट्रायल बैलेंस की, ये क्रेडिट साइड है। बोलो डेप्टर्स किस तरफ आएंगे? वेरी गुड, क्यों आएंगे? ओके, फिर बैड डेट्स किस तरफ आएंगे? बैड डेट्स, बैड डेट्स किस तरफ आएंगे ट्रायल बैलेंस में? बैड डेट्स, डेबिट साइड, क्यों? एक्सपेंस है। ठीक है जी, तो ये लो, ये दिया हुआ 50,000, कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे थे, ये लो ऐसा कुछ दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और नीचे एडजस्टमेंट दिखी है, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट दी हुई है, बोलता है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स ऑफ रुपीज 20,000। बस ये पहला केस, साथ ही लिखा है फर्दर बैड डेट्स ऑफ रुपीज 20,000। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट है, दो जगह पे इफेक्ट आना ही आना है 100%। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या किया जाए, आ जाओ बनाओ मेरे साथ। सबसे पहले छोटा सा प्यारा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3 से 4 लाइन का, और उसके नीचे बैलेंस शीट, देखो इसको उठना तो होता ही है, आना भी इसको होता ही है, लेकिन आधा घंटा लेट क्यों आता है समझ नहीं आता। इसके जीएसटी में बैठे होते ना गेट पे, आ जाओ प्रॉफिट। अच्छा पता है ये आदत इतनी गंदी होती है, अगर पड़ जाए ना ये कभी जिंदगी में छूटते नहीं, लेट आ रही। हमारे साथ लोग काम करते थे, इतने में बताऊं, एक बार सर गुजराती था, गुजरात से, वो 10 मिनट उसमें लेट आना ही आना, चाहे मैं उसको उठा के, कई बार उसको उठा के आ जाता था। अरे भाई तेरे को रोज गालियां पड़ती है यार, वो ना स्टोर डिपार्टमेंट था, स्टोर के अंदर रहता तुम्हारे, एक ही उसके ऊपर लैंग्वेज था और वो एचओडी स्टोर था, यार तेरे को रोज गालियां पड़ती है, आज से तेरे को मैं उठाना शुरू करता हूँ, हमारे को वो दिखाना पड़ता था, तो आगे से बोलते थे थैंक यू आ जाओ। और वो उसने 740 का आना, अरे जल्दी आ जा, बैठो बैठो, कहाँ बिठाओ, तो उसने 740 पे आना, और चलो उसने 740 पे आना है, और जब बंदा लेट आता है तो आईटी वाले को बुलाना पड़ता है, तो मशीन उसको सेट नहीं करती, तो आईटी वाले आते नीचे बेइज्जती करते, फिर उसको बंदे को अंदर करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं तेरी बेइज्जती नहीं दूंगा यार, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ऊपर, हम 4 ही लोग रहते थे ऊपर, मैंने बोला तो मैं तेरी बेइज्जती नहीं दूंगी, मैं तुझे खुद लेके जा रहा हूँ टाइम से पहले। 2 दिन मैं 7:20 में उसके रिक्वेस्ट पे पहुंच गया, क्योंकि नीचे जाना होता था 7:20, मेरा जल्दी कर निकल, नहीं मैं शूज बांध रहा हूँ, नहीं मैं अभी टाई बांध रहा हूँ, मेरा तू रेंट गया लग गया, तो उसके घर कमरे के बाहर खड़ा होकर भी वो लेट हो गया। वो जब तक वो ऑफिस में उसने काम किया, एक भी दिन उसका रिकॉर्ड था वो टाइम पे नहीं आया, और 5-5 मिनट करते करते फिर उसके लास्ट में 2 दिन या 1.5 दिन जो है उसकी सैलरी कट जाती थी। मेरा एग्जाम्पल दे देना, हाँ तेरे उसको जो है ना, मतलब उसको लेट आने की आदत पड़ गई, वो बोलता यार अजीत भाई कुछ हो ही नहीं सकता, बोला हो सकता, सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए, हो सकता है मैं तेरे को टाइम पर लेना शुरू कर सकता हूँ, अगर तुम लोग अलाउ करेंगे मैं तेरे थप्पड़ मारूं, उस उम्र में थप्पड़ मारना मुश्किल होता है ना, क्योंकि एज उसके भी बच्चे हैं मेरे भी बच्चे, तो थोड़ा गंदा सा लगता है, बोला मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम निकल गया, तो आ जाओ इधर छोड़ दो। इधर सबसे पहले कह दिया मैं फादर बैड डेट्स कितना, 20,000, हेलो बस इधर फादर बैड डेट्स 20,000 पेरी एडजस्टमेंट। सुनो बैड डेट्स एक एक्सपेंस है, ठीक है,
और हमारे पास ऊपर भी बैड डेब्ट्स हैं और डेब्टर्स भी हैं, लेकिन इस एडजस्टमेंट को हैंडल करने के लिए आप जब ऑलरेडी पोस्टिंग कर चुके होंगे तो आपने कुछ ऐसी पोस्टिंग की होगी। देखो मैं आपको समझाता हूं, आपकी पोस्टिंग कुछ ऐसी रही होगी, बैड डेब्ट्स 50,000, आप ऐसा लिख चुके हो क्योंकि आपने मार्किंग लगाई होगी बैड डेब्ट्स के साथ, किया होगा आप, और आपने कर दिया होगा यहाँ पे क्या, ऐसा ही काम आपने किया हो। एक नॉर्मल बच्चा भी यही काम करेगा, क्योंकि बैड डेब्ट्स के साथ एडजस्टमेंट थी तो आपने बैड डेब्ट्स को अंदर लिखा होगा, डेब्टर के साथ कुछ भी नहीं था लेकिन डेब्टर्स को आपने यहां लिख दिया होगा। अब सुनो मेरी बात, इसको हैंडल कैसे करना है, पहली बात दिमाग में डालना, बैड डेब्ट्स का सीधा इफेक्ट जो है वो डेब्टर्स पे पड़ेगा। अगर कुछ बैड डेब्ट्स होंगे तो आपके डेब्टर बढ़ेंगे या घटेंगे, पहले सोच के बताओ, घट जाएंगे। इसका मतलब ये एक्सी एडजस्टमेंट है जिसका इफेक्ट बैड डेब्ट पे भी पड़ेगा और किस पे पड़ेगा, डेब्टर्स पे पड़ेगा। पहली बात तो ये सीखनी है, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम डेब्टर को कहां लिखेंगे, हम डेब्टर को कहां लिखेंगे, 6,00,000 अंदर की तरफ। पहली बात तो ये सीखो आप, इन सारी एडजस्टमेंट्स के अंदर डेब्टर अंदर आएगा, चाहे वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स हो, चाहे वो बैड डेब्ट्स हो, इसका सीधा सीधा फर्क कहां पड़ेगा, डेब्टर्स के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, पहली बात समझ गए आप, डेब्टर्स कहां आएगा, अंदर, और बैड डेब्ट्स वो तो आएगा ही अंदर, ठीक है। तो फर्दर बेटर्स का मतलब है डेब्टर्स का कम होना। तो इसका पहला इफेक्ट जो है वो कहां पड़ेगा कि फर्दर बेटर्स यहां पे ऐड हो जाएंगे, यानी खर्चा बढ़ गया कितने से, और यहां कितना आया, 70,000, और यहां फर्दर बेटर्स घट गए कितने से, 20,000, और यहां कितना आया, ये हो गई पहली एडजस्टमेंट। समझ में आई आपको, फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब है बैड डेब्ट्स का बढ़ जाना, और बैड डेब्ट्स के बढ़ने से हमारे डेब्टर्स घट जाते हैं, डेब्टर्स घट जाते हैं। अरे समझ में आ गया आपको, नहीं आया तो दोबारा समझाता हूँ, समझ में आ गया। फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब है डेब्टर्स का घट जाना और उसके बाद बैड डेब्ट्स का बढ़ जाना, एक्सपेंस बढ़ गया और डेब्टर्स हमारे घट गए, एक तरफ प्लस हो रही है एक तरफ माइनस। अब दिमाग में वो मत लाना, सर हम आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करते थे तो आप वेजेस में भी प्लस करते थे और लायबिलिटी में भी दिखाते थे, वो दिमाग में मत लाना, सोच के देखो आप हम क्या बोल रहे हो, आप इसको कैसे सीख रहे हो। देखो इधर, जब हमारे फर्दर बैड डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट्स हमारे बढ़ेंगे तो हमारे डेब्टर्स बढ़ेंगे या घटेंगे, घटेंगे, घट गए, लेकिन हमारे बैड डेब्ट्स तो बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गया, ये एक्सपेंस है और यहाँ डेब्टर्स घट गए। आई मेरी बात समझ, दोनों तरफ असर आ गया। अरे जाओ को चलो जाए, मैं क्लास में जा ऊपर चला जाए, सीधा लगा लो उसके, ठीक है, ये लो, ठीक है जी, ये हो गया फाइन। ये है बैड डेब्ट्स की पहली एडजस्टमेंट, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूं, अगर ये समझ में आएगी तो अगली समझ में आएगी, फाइन। चलो आओ एक अगली करते हैं, लो सेकंड केस, केस नंबर 2, आ जाओ फटाफट, हो गया, यस सर। इसमें से लिखने वाली कोई बात है, समझने वाली बात है, अच्छा। अब जब इसको कर रहे हो ना, इसको कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला साथ के साथ बनता जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे बनाओगे, अपने पेज के साइड में लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप बना लो। आप लिखना सबसे पहले डेब्टर्स माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स, और जगह छोड़ देना इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लंबी सी जगह छोड़ दो, क्योंकि पूरा फॉर्मूला यहां तक आएगा, फाइन। और इस तरफ दिशा दूसरा फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला नंबर 1, और तीसरा दूसरा फॉर्मूला लिखो, बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स, ठीक है। तो फिर ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला रेडी हो जाएगा, ये दोनों फॉर्मूले आपके रेडी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। साइड में बनाते चले जाओ और इसके नीचे भी जगह छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां पहला फॉर्मूला रेडी हो रहा है, यहां दूसरा। सुनो मैं क्या बनवा रहा हूं आपसे मालूम है, ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में थोड़े से वीक रह जाते हैं, उनके लिए, वैसे कोई बच्चा वीक नहीं होता, लेकिन सुनो मेरी बात। डेब्टर्स में से फर्दर बैड डेब्ट्स क्या किया हमने, ये देख, और बैड डेब्ट्स में फर्दर बैड डेब्ट्स को क्या किया हमने, ये देख,
बन गया फॉर्मूला ऐसे इसी के नीचे इसी में ऐड होगा, इसी में ऐड होता चला जाएगा। और आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस नंबर टू। आप बना लो छोटा सा प्यारा सा ट्रायल बैलेंस, लिखो केस नंबर टू। अब केस नंबर टू के अंदर भी सेम एग्जांपल मैंने लिया है, डेप्टर्स लिखा हुआ है, बैंकर्स लिखे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने है और नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट बोलती है फर्दर बैड डेट्स रुपीज 20,000। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट है? फर्दर बैड डेट्स रुपीज 20,000। लेकिन अभी नई चीज सीखनी है थोड़ी सी, तो इसके साथ दिया हुआ है पहली एडजस्टमेंट, दूसरी एडजस्टमेंट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। ठीक है जी, अब साथ में एक और एडजस्टमेंट आ गई और वो भी डेप्टर से रिलेटेड है। फाइन, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है आपके पास ट्रायल बैलेंस में डेप्टर्स और दिया हुआ है बैड डेट्स, नीचे दिया है फर्दर बैड डेट्स। अब एक आम बच्चा जब इसको पढ़ेगा, ट्रायल बैलेंस आपके सामने होगा, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? मार्किंग कर, आप डॉट लगाओगे इसके ऊपर। लेकिन अब आप समझदार हो और आपको मालूम है अगर ये एडजस्टमेंट ना भी होती तो इसका इफेक्ट दो जगह पे पड़ता है, डेप्टर के ऊपर भी। अब आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप यहां भी मार्किंग लगाओगे। आप अगर मान लो ये एडजस्टमेंट ना होती, ये सेकंड वाली एडजस्टमेंट ना होती, थोड़ी देर के लिए मान जाओ, तब भी अगर फर्दर बैड्स की एडजस्टमेंट आ गई पेपर में तो मार्किंग कितनी जगह लगेगी? डेप्टर्स के आगे भी। और फाइन, और पहले वाली को खत्म करते हैं फर्स्ट जल्दी से। ये लो, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले हम यहां पे डालते हैं, सबसे पहले डेप्टर्स यहां आएगा बैलेंस शीट के अंदर, और डेप्टर्स को मैं लिख दू। डेप्टर्स कितने हैं? क्योंकि डेप्टर्स के साथ एडजस्टमेंट है तो डेप्टर्स यहां पे आए। लो, उसके बाद बैड डेट्स भी क्वेश्चन में गिवन है तो बैड डेट्स यहां आएगा। इस तरीके से पोस्टिंग करके आप रुक गए और आपको मालूम है सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या दी हुई है? फर्दर बैड डेट्स। क्या दी हुई है? फर्दर बैड डेट्स। और फर्दर बैड डेट्स हम कैसे डील करते हैं? हम इसमें ऐड करते हैं फर्दर बैड डेट्स कितना, और यहां हम माइनस करते हैं फर्दर बैड डेट्स कितना। ठीक है, अब रुक गए सर, आपने इसको बाहर नहीं लिखा क्योंकि दूसरे एडजस्टमेंट भी इससे ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने बाहर नहीं लिखा। ठीक है जी, भाई अब है दूसरी एडजस्टमेंट, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। कंपनी 10% टोटल पैसा डेप्टर्स का एक प्रोविजन में रखना चाहती है जिसको डाउट है कि लोग पैसा नहीं देंगे। ये अभी तक बैड डेट्स नहीं हुए, ये प्रोविजन कंपनी रखना चाहती है कि जितने भी डेप्टर्स हमारे पास हैं आज की डेट में साल के आखिरी दिन, उसका 10% हम एक साइड में रखना चाहते हैं क्योंकि कंपनी को ऐसा डाउट है कि ये लोग पैसा नहीं देंगे, इतना पैसा हमारा मारा जाएगा, इसीलिए कंपनी क्रिएट करती है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको मैंने पढ़ा रखा था प्रोविजन क्या होता है। ठीक है जी, मतलब वो लायबिलिटी जिसका होना तो तय है लेकिन अमाउंट का नहीं मालूम, यही था ना प्रोविजन। एस लायबिलिटी का होना तय होता है लेकिन उसके अमाउंट का मालूम नहीं, इस खर्चे का होना तय होता है लेकिन अमाउंट का मालूम नहीं होता, उसे बोला जाता है प्रोविजन। अब कंपनी इस प्रोविजन को 10% प्रोविजन को क्रिएट करना चाहती है और एक साइड में इस पैसे को रखना चाहती है, एक साइड में कंपनी इसको एक साइड में रखना चाहती है। अब मेरी बात सुनो आराम से,
सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपनी ऐसा करती क्यों है, कंपनी ऐसा करती क्यों है, एक बिजनेसमैन ऐसा क्यों करता है कि जब तक पैसा हमारे पास आएगा या नहीं आएगा उसको कंफर्म नहीं है, लेकिन वो अपने आप से अपनी एक सोच के अंदर 10% प्रोविजन का पैसा निकाल के सेट में रखना चाहता है, ऐसा वो करता क्यों है। तो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस के बेस पे ये काम किया जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल कहता है इफ यू सी अ लॉस कमिंग रिकॉर्ड इट नाउ। सर ये लॉस तो हुआ नहीं अभी तक, उन्होंने तो पैसा दिया नहीं दिया अभी तक, तो आपको मालूम भी नहीं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि कंफर्म है कि इतने बंदे जो है 10%, ये नहीं पता कौन, नाम नहीं मालूम होता, कंपनी के हजारों डेप्टर्स होते हैं, हजारों डेप्टर्स होते हैं, कौन देगा कौन नहीं देगा यहां नहीं लिखा होता, यहां किसी की लिखा नहीं होता, लेकिन कंपनी 10% सेफ साइड के लिए क्रिएट करती है। अब सोच के देखो, यहां कंपनी को 10% क्रिएट करना है क्या, प्रोविजन, तो इस पे क्रिएट करेगी 6 लाख पे या 5,80,000 पे। आज कंपनी के डेप्टर्स कितने हैं आज की शाम, 6 लाख है या 5,80,000, तो 5,80,000 के ऊपर 10% क्रिएट करके कितना पैसा हो गया बताओ, 58,000। लिखो लिखो शब्द मर्जी से, इसको माइनस करो, यहाँ लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और इसके ब्रैकेट में लिखना न्यू, कितना 58,000। लिखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू और 580 में से 58,000 को माइनस कर दो, कितना आया जल्दी बताओ, 580,000 माइनस 58,000 ये आ गया आपके पास कितना, 5,22,000। और हाँ इधर देखो, इसके करने के आप दो तरीके हैं, या तो इसको आप इसमें प्लस कर दो या फिर इसको आप अलग से दिखा दो, दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो, कि इसको बंद करो और यहां दिखाओ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। सर ये न्यू का चक्कर क्या है मैं बताता हूं, आप लिख लो, हो गया खर्चा भी बुक हो गया, एक्सपेंस भी बुक हो गया और यहां से डेप्टर्स में से प्रोविजन भी कट गया। तो फिर फॉर्मूले में क्या बना, फॉर्मूले ने कहा इसमें से हम माइनस करें क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, मालूम है प्रोविजन किसमें निकाला जाएगा, जो अमाउंट यहां पे आएगा, जो अमाउंट यहां पे आएगा उसमें प्रोविजन निकाला जाएगा 10%, यानी 6 लाख में से 20 माइनस करके 580 जो आया इसके ऊपर निकाला जाएगा प्रोविजन 10%। ऐसे लिख लेना, जो अमाउंट यहां पे आएगा उस अमाउंट के ऊपर निकाला जाएगा प्रोविजन, ताकि आपको फॉर्मूले में याद रहे, 6 लाख पे प्रोविजन नहीं लग रहा है, किसमें लग रहा है, 6 लाख माइनस 20,000 कितना आया था, 580, मैंने 580 में निकाला प्रोविजन, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ फॉर्मूला। इधर देखो, डेप्टर में से पहले माइनस किया फर्दर बैड डेट्स, जो अमाउंट आया उसमें 10%, सर ये 10% होगा क्या हर बार, अरे यार क्वेश्चन में गिवन रहेगा, 10% 5% 7% 15% डिपेंड करेगा कंपनी का बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो यहां 10% कमीशन हमें प्रोविजन निकालना था, मैंने निकाल दिया, राइट, जो अमाउंट आएगा उस पर प्रोविजन निकलेगा, याद रखना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इधर देखो, या तो इसको ऐसे कर दो या फिर आप इसमें प्लस कर सकते हो, इसी में प्लस कर सकते हो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू, अगर आप इसमें प्लस करके भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप उसमें प्लस भी कर दोगे, और मैं इसको इसी चीज में प्लस कर देता है यहां पे, अगर मैं इसको प्लस कर देता और मैं ऐसे लिख देता, ऐसे प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू 58,000 और एक ही फिगर को बाहर डालता जो कितनी बन जाती, 8। कोई चक्कर नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक इसको ऑप्शन है करने का, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, इस तरीके से भी डील हो सकता है, फाइन, कि हम तीनों चीजों को एक साथ प्लस करके लिख सकते हो, वो भी खर्चा है, वो भी खर्चा है, ये भी एक एक्सपेंस है और ये भी एक एक्सपेंस था, तो एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड किया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहां ख्याल देना, ठीक है, इधर केस नंबर 2, समझ में आ रहा है अभी तक, आगे चलो, चलो केस,
कौन सा वाला? ये वाला, वो दोनों दोनों की दोनों एडजस्टमेंट पहले तो आ गई होगी फर्दर बेटर, सेकंड वाली। देखो सुनो मेरी बात, हमारे पास टोटल डेप्टर्स थे 6 लाख, फाइन। पहली एडजस्टमेंट थी फर्दर बेटर्स ₹20,000। बेटर्स का मतलब होता है अब पैसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो हमने माइनस कर दिया फर्दर बेटर्स डेप्टर में से, कितना आ गया 5,80,000। यहां तक समझ में आया? और यहां बेटर्स एक एक्सपेंस है, एक ऐसा एक्सपेंस जो हमें कवर नहीं कर सकते, अब पैसा नहीं आने वाला। बैड डेट्स के अंदर 20,000 को प्लस कर दिया। यहां तक समझ में आया? अब हम दूसरी पे आते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट दी थी क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। कंपनी ने कहा कि 10% जो टोटल डेप्टर्स हमारे पास बचे हैं उसका 10% एक साइड में रख दो, उस पैसे को निकालो और एक साइड में रख दो, यानी प्रोविजन क्रिएट कर दो। ये बात हुई। तो किसका 10% जो हमारे डेप्टर्स हैं? लेकिन हमारे डेप्टर्स हैं कितने? 6 लाख या 5,80,000? 5,80,000, क्योंकि 20 तो बैड डेप्टर्स हो चुके हैं। तो कितने डेप्टर्स हैं? 5,80,000। तो इसका प्रोविजन कितना परसेंट? 10%। 5,80,000 का 10% कितना हुआ? 58,000। बाहर कितना आया? 5,22,000, फाइन। और ये हमारा एक्सपेंस है जब हम कोई चीज को बुक करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या था? इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। लेकिन आप कहां दिखा रहे थे? एक्सपेंस है। अरे डेप्रिसिएशन एक वो खर्चा है जो आपने किया नहीं। डेप्रिसिएशन का मतलब मशीन चली और वो घिस गई। क्या आपने जाके मशीन को बोला अच्छा तू इतनी घिस गई है पकड़ अपने पैसे, और मशीन ने मुंह खोला और पैसे इसमें चले गए? ऐसा हुआ कहीं? ऐसा कभी होते देखा आपने? अपने एक्टिवा से पूछ के देना, तू इतना घिस गई ये ले तेरे पैसे। एक्टिवा बोले कि नहीं चाहिए, और स्टार्ट होके भाग जाए। सुनो मेरी बात, ये तो एक्टिवा पैसे की क्या करेगी? उसे मालूम नहीं मॉल में कैसे जाना, आप लेके जाओगे तो जाएगी, ठीक है? इधर देखो तो सुनो, बस बस शांति। जब हम बोलते हैं ना खर्चे को बुक कर दो और पैसा एक साइड में रख दो, तो ये खर्चा बुक हो गया। अब ये वाला पैसा कंपनी के पास एक साइड में पड़ा हुआ है, ये वाला पैसा कंपनी के पास एक साइड में है। That money is with the company now. ये पैसे के बीच में नहीं घूम रहा है, एक साइड में पैसा पड़ा हुआ है, ये वाला। इसको चाहो तो अलग से दिखा दो, इसको चाहो तो इसमें प्लस कर दो। अगर इसमें प्लस कर दोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, अलग से दिखाओगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? तो मैंने फॉर्मूले के हिसाब से इसमें प्लस कर दिया, ठीक। आगे बात समझ, यहां तक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े एक केस, चलो थोड़ा सा हार्ड में चलते हैं, आ जाओ। केस नंबर 3 में आते हैं। केस नंबर 3, लो बनाओ मेरे साथ आप प्यारा प्यारा सा एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस। ये सेकंड केस था ना, लो केस नंबर 3 के अंदर फिर एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती हैं, आपको अच्छे से मालूम है, एक डेबिट एक क्रेडिट। यही लिखा जाता है डेबिट क्रेडिट, दिस इज ट्रायल बैलेंस। और यहां डेप्टर्स दिए हुए हैं, डेप्टर्स, और डेप्टर्स दिए हुए हैं आपको। यहां पे फिगर चेंज कर देते हैं, बहुत देर से की फिगर में खेल रहे हैं। 8 लाख, लो डेप्टर्स है 8 लाख, और बैड डेट्स दिए 10,000, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। एडजस्टमेंट्स, पहली एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेट्स 8,000। अच्छा एक चीज और डाल देते हैं, यहाँ पे दो चीज डल गई ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे। यहां डाल दो डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस होता है, ये है 5,000, लो इसको भी डाल दो। तीसरे स्टेप में पढ़ते हैं, ठीक है? मैं केस कम कर रहा हूं आपके लिए, ये वाला छोड़ दिया मैंने, सीधा इस पे आया ताकि आप छोटे में सीख सको ज्यादा,
ठीक है, नहीं तो ज्यादा हो जाएगी तो कंफ्यूज होते फिर एक केस और घटा देता हूँ और केस काम हो जाएगा ठीक है। हाँ डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स कितना 5000 ठीक है, ये भी इसी में डाल दो। डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स को डेबिट में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिस्काउंट हमारा क्या होता है, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, हमने डेप्टर्स को डिस्काउंट दिया तो हमारा क्या हो गया एक्सपेंस ठीक है जी, समझ में आ गई, ऑन डेप्टर्स है फाइन, तो हमने कहा लिख दिया इसको डेबिट साइड। आ जाओ नीचे दिया हुआ है फर्दर बैड डेट्स ₹8000, फिर बोलता है दूसरी में एडिशनल डिस्काउंट अलाउड ₹7000 फोन आ गया, इसको बोले आ गई क्या हम आ गए सर, आप उठेंगे इसको ये लो बेटा जगह बना जगह बना जगह बना ओके इधर आ जाओ, एडिशनल डिस्काउंट अलाउड 7000 और तीसरा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। लो आप करो कोशिश करने की, मैं आपको टाइम देता हूं 2 मिनट का, लो आप क्या करोगे, आप कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, मैं देखू आपको मैं क्या बोलता है, लेकिन रफ में करना यहां गन मत डालो। ये लो इधर देखो, इधर सुनो, इधर दो अकाउंट तो आपने बनाए होंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा आपने बनाया होगा बैलेंस शीट, बस इतना ही बना देता हूं, दूसरा आपने बनाया होगा बैलेंस शीट, ये बनाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सबसे पहला काम आपने ये किया होगा कि आपने बैड डेब्ट्स को मार्क किया होगा, डेब्टर्स को मार्क किया होगा और इसको भी मार्क किया होगा, क्योंकि 3 एडजस्टमेंट्स है, मार्किंग तो लगाई होगी ना आपने। चलो पहली थी फर्दर बैड डेब्ट्स, तो आपने जिसकी पोस्टिंग की होगी तो यहां आपने लिखा होगा डेब्टर्स कितने, ऐसे कुछ आपकी पोजीशन दिख रही होगी कि डेब्टर्स यहां पे लिखे होंगे अंदर की तरफ और बैड डेब्ट्स यहां लिखे होंगे, आपने बैड डेब्ट्स यहां लिखे होंगे 10000 अंदर की तरफ ऐसा दिख रहा होगा, और डिस्काउंट क्योंकि ये भी एक एक्सपेंस है तो आपने इसको यहां दिखा रखा होगा डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स अलग से कितना, सॉरी इसके साथ भी एडजस्टमेंट है तो आपने यहां दिखाया होगा 5000, थोड़ा लिखना था डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स 5000, कुछ ऐसा आप दिखा रहे हो, ये सिचुएशन में आप खड़े हो गए जब हमने एडजस्टमेंट को पढ़ा होगा ठीक है, आपने बैड डेब्ट्स को भी अंदर दिखाया होगा, डिस्काउंट ऑन डेब्टर्स को भी अंदर दिखाया होगा क्योंकि भी एक्सपेंस है, और यहां डेब्टर्स को भी अंदर दिखाया होगा क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट होनी है, फिर आपने पढ़ी होगी पहली एडजस्टमेंट, और पहली एडजस्टमेंट थी फर्दर बैड डेब्ट्स, सबसे पहली कौन सी थी फर्दर बैड डेब्ट्स, तो फर्दर बैड डेब्ट्स के लिए आपने क्या किया होगा बताओ, एक तो बैड डेब्ट्स में एड किए होंगे पैसे, यहां लिखा होगा आपने प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स कितना 8000, और यहां माइनस कर दिए होंगे क्या 8000। अब यहां खड़े हो गए पहली एडजस्टमेंट के बाद, अब यहां पे खड़े हो गए होंगे ठीक है जी, इसके बाद क्या किया होगा, इसके बाद मेरी बात सुनो, वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन, सुनना मेरी बात समझो, इधर ऊपर देखो सारे सुनो मेरी बात, अब ईमानदारी से दिल पे हाथ करके पूछना, वी हैव टू क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेब्टर्स नाउ फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 10%, बट वट इज आवर डेब्टर्स नाउ, वट इज द अमाउंट ऑफ डेब्टर्स, एक मिनट आराम से, कौन बोलता है 792, कितने बच्चे बोलते हैं 792, हमारे डेब्टर्स कितने हैं इस टाइम राइट नाउ 792, लेकिन ये जो डिस्काउंट जिनको आपने एक बार डिस्काउंट दे दिया
जिन डेप्टर्स को आप डिस्काउंट दे देते हो, क्या उनसे दोबारा पैसा मांग सकते हो ईमानदारी के साथ? नहीं मांग सकते। तो फिर इसका मतलब पहले हमें क्या माइनस करना होगा? एडिशनल डिस्काउंट। बोलो कितना दिया? 7,000। ये तो 792 माइनस 7,000, बोलो कितना आया जल्दी से? 792 माइनस 7,000 कितना आया? 7,85,000। ये है आपके डेप्टर्स आज की तारीख में। दीज आर योर डेप्टर्स नाउ एज एन टूडे। सर अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो फिर ना होती तो हम इस पे लगा देते 792 के। इसके पिछले केस में नहीं थी तो मैंने कहा लगाया 792 के अंदर। लेकिन ईमानदारी से अपने दिल से पूछ के देखो हमारे डेप्टर्स थे कितने, 792 या 785? तो अंदर से आवाज आएगी 785। मालूम है क्यों? क्योंकि जो डिस्काउंट हमने एक बार डेप्टर्स को दे दिया उनसे आप दोबारा पैसा नहीं मांग सकते। यू हैव अलाउड डिस्काउंट टू द डेप्टर्स, तो डेप्टर्स में से ऑलरेडी माइनस हो गया। आज की तारीख में हमारे डेप्टर्स कितने हैं? 785। और वो बोलता है क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेप्टर्स फॉर डाउटफुल डेप्ट्स एट 10%। अब मेरी बात सुन, इधर सर आपने इसकी एंट्री यहां तो कर दी, यहां कहां? तो यहां प्लस कर दो। डिस्काउंट मतलब एक्सपेंस बढ़ गया, लिखो प्लस एडिशनल डिस्काउंट। कितना है भाई? ये आ गया 12,000। इसका काम तो खत्म हो गया, एडिशनल डिस्काउंट को ऐड कर दिया, ये तो आ गया 12,000। लेकिन यहां अभी एक चीज और रह गई, ये एडजस्टमेंट भी हो गई, ये एडजस्टमेंट भी हो गई, लेकिन क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 10%। इसका मतलब माइनस करो क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और वो कितना आया? 78,500। और ये कितना आया? 7,06,500। और यहां प्लस करो क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू, कितना? 78,500। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 प्लस 8,000 प्लस 78,500, 96,500। आई बात समझ में आपको? समझ में आई कुछ? अब इधर देखो, सुनो, यहां फॉर्मूले में चेंजेस आ गए। इधर देखो, अब सुनो इधर फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या बोल रहा था? इधर देखो, डेप्टर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स, जो अमाउंट आए उसके ऊपर 10% निकालो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहां चेंज आया, लिखो दोबारा फॉर्मूला अगले पेज पे, फिर से चेंज करते जाओ फॉर्मूले को, और अब दोबारा से लिखो, मैं फिर लिखता हूं, फॉर्मूला चेंज हो गया। ये देखो, ये फॉर्मूला चेंज हो गया। मालूम है क्या चेंज हुआ? सबसे पहले लिखा था डेप्टर्स एज पर ट्रायल बैलेंस, जो भी ट्रायल बैलेंस में दिए हुए, इसमें से माइनस करो फर्दर बैड डेट, इसमें से माइनस करो एडिशनल डिस्काउंट अलाउड, फिर जो अमाउंट आए उस पे निकालो 10% प्रोविजन। अब फॉर्मूले में चेंज आ गया, देखा आप? धीरे धीरे जब हम सारे एडजस्टमेंट कर लेंगे ये ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला बन जाएगा, और भी अभी बहुत कुछ इसमें है, ठीक है? लेकिन अब फॉर्मूला बदल गया। सबसे पहले डेप्टर्स, उसमें से माइनस किए फर्दर बैड डेट्स, उसमें से माइनस किया एडिशनल डिस्काउंट अलाउड, फिर जो अमाउंट आया 785 उसके ऊपर निकाला गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जो कर रहे हो वही लिख रहे हो, कुछ अलग नहीं लिख रहे हो, जो आपने अभी यहां किया वही आपने यहां लिखा। अब ये फॉर्मूला बदल गया, इसको कई बार आप लिखते चले जाना इस फॉर्मूले को, ताकि आपको चेंजेस नोटिस में आ जाए हम क्या क्या चेंज करते आए, और लास्ट में जाके फाइनल फॉर्मूला लास्ट पेज में आ जाएगा जहां पे हम लास्ट केस करेंगे। लेकिन ये अभी और बदलेगा, इसमें और भी कुछ जुड़ेगा और भी कुछ घटेगा, अभी इसमें चेंजेस आते रहेंगे, ये फाइनल फॉर्मूला नहीं दिया है आपको, फाइन? तो इसमें भी चेंजेस आएंगे, ये देख रहे हो आप। लेकिन अभी तक जो चेंजेस है वो क्या? सबसे पहले डेप्टर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस एडिशनल डिस्काउंट, एंड देन जो अमाउंट आया उसके ऊपर प्रोविजन, वो ये रहा। अच्छा, यहां पे क्या हुआ? यहां कोई चेंज नहीं आया। बैड डेट्स उसमें प्लस किया फर्दर बैड डेट्स, उसमें प्लस किया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। इसको न्यू क्यों बोलते हैं मैं आगे बताऊंगा,
इसके आगे मैं न्यू क्यू लिख रहा हूँ, न्यू और ओल्ड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अगर कुछ न्यू है तो कुछ ओल्ड भी होगा, मैं आगे करवाऊंगा, अभी नहीं कंफ्यूज होना, यहाँ कोई चेंज नहीं आया। बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर वो डिस्काउंट का हमने क्या किया? अरे डिस्काउंट एक एक्सपेंस था, वही रहा डिस्काउंट और डेट प्लस, उसमें एड कर दिया एडिशनल डिस्काउंट, कितना 7,000। इसका कोई लिंक नहीं है, ये अलग है और ये अलग। पॉइंट समझ में आ रही बात? अभी तक कुछ समझ में आया? कितने केस किए हमने? ये कौन सा केस था? एक्चुअली मैं पिछले साल मैंने इनको 5 केसों में बांटा था, इस साल मैंने 2 केस मिक्स करके आपको 3 में करा दिए। मैं और केस कम करता हूँ ताकि आप लोगों के पास बहुत सारा ना हो जाए घबराने के लिए, डरना नहीं। सिंपल 3 केस है, 3 केस को कम से कम 30 बार कर लेना, कम से कम 30 टाइम्स, ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आपकी श्रद्धा है कि आप कितना करते हो, लेकिन इतना तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 30 बार कर लो। क्यों? ये 12 नंबर का सवाल है, 12 मार्क्स। 12 नंबर में एक एंट्री ऐसी होगी जो आपको घुमा जाएगी और वो ये वाली होगी, और मैं किसी भी हालत में आपको घूमने नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी और इस किताब को घर जाके फेंका नहीं एक साइड में इस नोटबुक को, और फिर आपने कल नहीं उठाया, अगर ऐसा नहीं किया और आप आने से पहले इन केसेस को करके आए, तो आई कैन गिव यू गारंटी कल जब हम बैठेंगे तो फिर आपको फ्रेशनेस के साथ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो सब मिट्टी हो जाएगी। कुछ समझेंगे टफ लेवल पे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत कुछ दिया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, ठीक है नी? अभी ट्रायल बैलेंस में कितने आइटम दिए थे इस बार? 3। और नीचे एडजस्टमेंट कितनी? 3। अभी तक हम यहां पहुंचे। लेकिन मैं एक बात पूछूं आपसे, आज सोच समझ के आंसर देना, ठीक है? आप मुझे ये बताओ, आज की तारीख में इस कंपनी की बैलेंस शीट आप देख रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप देख रहे हो, ट्रायल बैलेंस भी आपके सामने है, ये कंपनी की बैलेंस शीट आपको दिखा के अगर कोई आपसे पूछे आज की डेट में व्हाट इज द डेब्टर्स ऑफ दिस बिजनेस नाउ, इस बिजनेस के डेब्टर्स कितने हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, मान लो, और ऐसा होता है, मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू की, आपसे मान लो आपसे और कोई पूछे कि इस बैलेंस शीट को देख के बताओ इस कंपनी के डेब्टर्स कितने हैं, कितना? 1 मिनट सोच समझ के आंसर दो यार, जल्दबाजी मत करा, हर बात पे 1 मिनट में आंसर देने की बात नहीं, अकाउंट में थोड़ा सोचा करो, यहाँ पे हाजिर जवाब ही नहीं होती अकाउंट्स के अंदर, सोच के, क्योंकि यहाँ नौकरी का सवाल है, आपको गेट आउट भी क्या सकता है, गेट आउट हो जाए, समझे आप? ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं, ठीक है? एक गेम खेलते हैं कि आपने से कितने बच्चे क्या बोल रहे हैं, नहीं शांति शांति, ठीक है? एक गेम खेलते हैं, इधर सुनो, हम यहाँ गेम स्टार्ट करते हैं, आ जाओ, अभी बस इसको बंद कर देते हैं, इसको क्लास को ऑफ कर दूं मैं, बाकी आगे कल करेंगे,